आज हम लोग करेंगे ओशनोग्राफी के क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ओशन करेंट्स, ओशियानिक करेंट्स को, पहले बात तो ओशियानिक करेंट्स चलती क्यों है। तो एक तो डीप ओशियानिक करेंट होती है, एक सरफेस ओशियानिक करेंट्स होते हैं। जो सरफेस ओशियानिक करेंट्स हैं वो तो विंड की वजह से, प्रिवेलिंग विंड की वजह से चलती हैं, और जिधर प्रिवेलिंग विंड है उधर ओशियानिक करेंट्स हैं। जो डीप ओशियानिक करेंट्स हैं वो टेम्परेचर और सैलाइनिटी के डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर सैलाइनिटी के ग्रेडियंट या डिफरेंस की वजह से चलती हैं। तो उनका तो TS डायग्राम वगैरह अलग स्ट्रक्चर है। ओशियन करेंट्स जो सुपरफिशियल लेवल पे चलती हैं वो ग्लोबल थर्मो अलायंस सर्कुलेशन का पार्ट है। अब होता क्या है कि विंड जो होती है, प्रिवेलिंग विंड, वो ऊपर की जो सुपर ओशनिक ओशनिक सरफेस है उसको चलाने की कोशिश करती है अपनी डायरेक्शन में। अब जब ओशन चलेगी तो ओशन की जो अपर लेयर चलेगी पानी की, तो उस पे अर्थ, क्योंकि हर समय अर्थ जो है सन के अबाउट रोटेट कर रहा है और अपने रिवॉल्व भी कर रहा है, तो अर्थ जब कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में कोई चीज चलती है तो उस पे फ्रेम से अगर देखा जाए, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम से, तो कोरियालिस फोर्स लगता है जो उसको डिफ्लेक्ट करता है। कुछ कुछ ऐसा यहाँ पे ओशियानिक करंट्स के साथ भी होता है, क्योंकि सिंस अर्थ रोटेट कर रही है, एयर विंड का सर्कुलेशन हो रहा है, ओशन डेंसिटी का डिफरेंस है, मैंने बताया टेम्परेचर और सैलाइनिटी का डिफरेंस है, सैलाइनिटी से डेंसिटी का डिफरेंस आएगा, ज्यादा सैलाइन हुआ तो ज्यादा डेंस होता है, रिवोल्यूशन का कोई रोल नहीं है। ये सारे फैक्टर बी मतलब 1, 2 एंड 3, फोर्थ को छोड़ के सारे फैक्टर ओशियनिक करंट्स के चलने में हेल्प करते हैं। वो जो कोरियालिस फोर्स लगेगा वो ओशन करंट्स को डिफ्लेक्ट करेगा। हाईएस्ट सैलाइनिटी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। आई थिंक हाईएस्ट सैलाइनिटी वैन लेक, डेड सी, बाल्कस, बैकाल में कंपेरिजन को है। डेड सी फेमस है इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे है, डेड सी वो सबसे ज्यादा सलाइन है। बाकी डेड सी की जो सलाइनिटी होती है उसमें एक आदमी लेट सकता है, ऐसा और किसी लेक में तो सुनने को नहीं आता। यानी कि सबसे ज्यादा सलाइन तो डेड सी है। अगर किसी और लेक में ऐसा होता कि आप लेट जाओ ऐसे ही फ्लोट कर लोगे, तो वो नहीं है किसी और में, नहीं, बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन जाता। डेड सी इसराइल और जॉर्डन। बैकाल आई थिंक रशिया मंगोलिया बॉर्डर पे है। बाल्कस, बाल्कस आई थिंक कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान, बाल्कस आई थिंक, देखता हूँ एक सेकेंड, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि कजाकिस्तान है या उज्बेकिस्तान है बाल्कस। मैं जाता हूँ वर्ल्ड जियोग्राफी और इसमें जाता हूँ वेस्ट वेस्ट एशिया या ईस्ट एशिया, रशिया एंड सेंट्रल एशिया, रशिया एंड सेंट्रल एशिया में शायद हो, रशियन सेंट्रल एशिया, कच स्ट्रेट, यूक्रेन वाला। मुझे चाहिए बाल्कस, बैकाल, बैकाल तो साइबेरिया वाला है। क्लाइमेटोलॉजी ये रहा। बाल्कस 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 रिवर्स डॉन भूल का ओब यानी से लीना, ओब यानी से लीना, बैकाल, कैस्पियन लेक, बैकाल रसिया में। मैंने देखते क्या इंफॉर्मेशन डाल रखी है, नाइपर, माउंट अलबुर्स, कामचटका पेनिनसुला, बैकाल के बारे में डाल रखा है, डीपेस्ट लेक है, लार्जेस्ट है, तंजानिका लॉन्गेस्ट है, लेक लडोगा यूरोप रशिया में ही है, सुपीरियर टिटिकाका, और क्या इन्फॉर्मेशन डाल रखी है मैंने, ओप के बारे में डाल रखा है, कारा सी, लेप्टिव सी, कहाँ डाल रखा फिर मैंने, चन्नोजम सॉइल,
फॉरेस्ट इकोनॉमिक जियोग्राफी नोरिलैक्स निकल डिपॉजिट कारेलियन पेनिनसुला नेचुरल गैस सुगर बीट कोच स्ट्रीट यूनियम गुलक्स सी ऑफ अजोव कोच स्ट्रीट सेंट्रल एशिया मैंने अलग से बनाया तो है कुछ यहाँ मिल गया शायद ये रहा कैस्पियन सी तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान जॉर्जिया आर्मेनिया अजरबैजान मैं खुद ही भूल गया हूँ बना के कि मैंने कहाँ डाला था देखता हूँ वेस्ट एशिया में तो डाल दिया क्या मैंने सेंट्रल एशिया वहां बना हुआ है रशिया के पास वेस्ट एशिया में क्यों डाला है आपने वेस्ट एशिया के पास ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज हैं ईरान है इराक है अरबियन कंट्रीज हैं जीसीसी वाली कंट्रीज हैं ये देखिए गलती तो नहीं की मैंने तुर्कमेनिस्तान दस्ते कबीर दस्ते लाओ जॉर्जिया आर्मेनिया अजरबैजान भी है वेस्ट एशिया में टर्की भी है अनातोलियन प्लेटो भी है यूएई भी है जागरूस माउंटेन बहरीन कतर जॉर्डन है सीरिया है लेबनान है सत्तल अरब है एजियन सी रेड सी डेजर्ट्स ये गलती कर रखी है मैंने लेक बालकस में ढूंढ रहा था मिल गया मुझे लेक बालकस कजाकिस्तान में है ये वाला फील्ड मुझे लेक बालकस वाला कट करना है दोनों कजाकिस्तान की बालकस उठाई मैंने और ये गए रसिया और सेंट्रल एशिया या बालकस कजाकिस्तान में है वापस आते हैं तो हाईएस्ट सलाइनिटी डिस्कस कर रहे थे डेड सी है इसराइल जॉर्डन बैकाल एशिया में है बालकस कजाकिस्तान में डेड सी इसराइल जॉर्डन वेन लेक बीन लेक वन लेक आई थिंक वन लेक टर्की साइड है डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड तो बेकाल है रसिया बेकाल डीपेस्ट लेक में रशियन रिफ्ट रीजन में साइबेरियन रिफ्ट रीजन लेक बेकाल रिफ्ट रीजन ही बोलते हैं उसको विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज द लार्जेस्ट इन एरिया अखोतोस चाइना जापान बेरिंग सी है तो सब रसिया के चाइना के इधर पैसिफिक साइड सी अब चाइना भी पैसिफिक में है ओकोतोक्स भी पैसिफिक में है बेरिंग सी भी पैसिफिक में है सी अब जापान भी पैसिफिक में है साइज में आई थिंक बेरिंग सी सबसे बड़ा होगा रसिया और यूएस के बीच में फिर ओकोतोक्स भी बड़ा है चाइना और सी ऑफ चाइना और सी ऑफ जापान छोटा होगा सी ऑफ चाइना उससे थोड़ा सा बड़ा होगा बट ओकोतोक्स से छोटा होगा बेरिंग सी सबसे बड़ा है बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशन मेडागास्कर
नो डाउट। सुमात्रा इंडोनेशिया में सबसे बड़ा आइलैंड है। लक्षद्वीप तो खैर बहुत छोटा है, मालदीव भी छोटा है, मेडागास्कर और सुमात्रा बड़े हैं। साइज के हिसाब से सबसे बड़ा मेडागास्कर होगा, फिर सुमात्रा होगा, फिर मालदीव होगा, फिर लक्षद्वीप होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर? गल्फ हॉट है, गल्फ अटलांटिक में है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी हॉट है, क्रोसियो भी हॉट है, नीचे से आती है जापान के साइड से, ये पैसिफिक में है, लेब्राडोर अटलांटिक में है, और लेब्राडोर अटलांटिक में आती है, लेब्राडोर अटलांटिक में है कि लेब्राडोर, आई थिंक लेब्राडोर हाँ अटलांटिक में ही है, और ये आती है आर्कटिक रीजन से आती है लेब्राडोर, और ये आती है यूरोप में नहीं, ये आती है यूरोप, यूएसए और कनाडा। लेब्राडोर आता है यूएसए और कनाडा के अपर वाले पार्ट में, वो ठंडी होती है। आई थिंक लेब्राडोर डिफरेंट है क्योंकि लेब्राडोर कोल्ड है, नॉर्थ अटलांटिक में आती है, आर्कटिक ओशन से आती है, न्यूफाउंडलैंड और नोवा स्कॉटिया वाला जो रीजन है वहां आती है। ऑक्सबो लेक इज फीचर फॉर्म बाई, ऑक्सबो लेक जो होता है वो रिवर के, मतलब रिवर के अगर आप फीचर्स की बात करो, लैंड फॉर्म के फीचर्स की बात करो, रिवर को फीचर्स को आई थिंक क्या बोलोगे, इवोलियन तो एयर होता है, ग्लेशियल ग्लेशियर से होता है, फ्लूवियल, तो अगर आप फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स की बात करो तो कुछ इरोजनल होते हैं, कुछ डिपोजिशनल होते हैं, जैसे डेल्टा डिपोजिशनल है, लेवी डिपोजिशनल है, ऑक्सबो लेक इरोजनल भी है डिपोजिशनल भी है, और इरोजनल जैसे वैली इरोजनल है, वैली इरोजनल है। तो होता क्या है कि एक रिवर है, जब वो अपनी ओल्ड हो जाती है या फिर जो माउंटेन्स निकलती है वहां से, तो न्यू यंग है, जब वो प्लेन्स पे आती है तो वो किसी रास्ते से जा रही है इरोड करते हुए। अब वो इरोड करते करते वो अपने शायद सैंड भी जमा करती रहती है, अब वो सैंड जमाया होते होते वो एक जो चैनल है वो ब्लॉक हो गया और रिवर नए रास्ते पे चलने लगी, जो पुराना रास्ता है वो कट ऑफ होकर निकल जाता है, रिवर मेंडर करके, मेंडरिंग तो होती रहती है नीचे वाले पार्ट में, जो पुराना एक यू शेप का कट फॉर्म निकल के रह गया, मतलब पहले इरोजन हुआ, फिर डिपोजिशन हुआ, फिर मेंडरिंग होके पाथी बदल गया, तो वो ऑक्सबो लेक होता है। इसका एक एग्जाम्पल है ना, वहां पे बेगूसराय के पास है शायद कांवरदहा, कौन सा ताल है, कोई ताल है, कांवरदहा ताल है, कभी कोई ताल है वहां पे, फेमस ताल है बिहार में एक, ऑक्सबो लेक है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करंट हैज ए वार्मिंग इन्फ्लुएंस ऑन द नेबरिंग कोस्ट? बेंजुएला अफ्रीका, साउथ अफ्रीका साइड कोल्ड है, और ये है अटलांटिक में, अगुलास इंडियन ओशन में है, वार्म होती है, अगुलास ही इनका आंसर है, कैनरीज ठंडी है, अफ्रीका की ये भी है, और ये है वेस्ट अफ्रीका की अटलांटिक ओशन में, कैनरीज आइलैंड के पास, स्पेन की कैनरीज आइलैंड के पास कैनरीज ठंडी होती है, ओयोसु भी ठंडी होती है, ये आती है जापान साइड में, रशिया साइड में, ऊपर से आती है, आर्कटिक से आती है, तो ओयोसु ठंडी है, कैनिस ठंडी है, बेंजुला ठंडी है, अगुलास गर्म है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट ए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म डेवलप्ड बाय द रनिंग वाटर? कौन सा डिपोजिशनल नहीं है? एल्यूवियल, एल्यूवियल डिपोजिट्स रिवर के डिपोजिशनल है, डेल्टा डिपोजिशनल है, लेवी डिपोजिशनल है, टेरेस डिपोजिशनल नहीं है, इरोजनल है, टेरेस जो बन जाते हैं वो इरोजनल होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी इज द सैलोएस्ट? सबसे सैलो मतलब कम डेप्थ वाला, करीब 8-10 मीटर वाला, बाल्टिक तो नहीं होगा, नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क वाला तो डीप है, येलो सी चाइना के पास भी डीप है, नॉर्थ सी भी डीप है, अजोव मुझे लग रहा है, अजोव जो है वो रसिया और यूक्रेन वाला, ये मेरे हिसाब से सैलोएस्ट सी है। सुनामीज आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाई, ये तो सबको पता होगा, सुनामी सब मेरी अर्थक्वेक्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर? कैनरी अफ्रीका, अटलांटिक कोल्ड, मोजाम्बिक अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका,
साउथ ईस्ट अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर के सामने वाला, हॉट हॉट, ओयोसियो ओयोसियो कोल्ड, ओयोसियो कोल्ड होती है, आर्कटिक से आती है, ओयोसियो रशिया, चाइना, जापान, कोल्ड कैनरी कोल्ड, ओयोसियो कोल्ड, मोजाम्बिक हॉट, फॉकलैंड, फॉकलैंड मुझे याद करने दो, फॉकलैंड किसको बोलते हैं, फॉकलैंड करंट, आई थिंक हम्बोल्ड करंट, परू करंट, फॉकलैंड कौन सा है, मतलब अफ्रीका तो नहीं है फॉकलैंड, एशिया में भी नहीं है, यूएसए कनाडा में भी नहीं है, साउथ अमेरिका है, फॉकलैंड साउथ अमेरिका के पास है, मोजाम्बिक हॉट है, कैनरी कोल्ड है, ओयोसियो कोल्ड है, फॉकलैंड भी कोल्ड है, फॉकलैंड नीचे से आती है, मुझे लग रहा है अंटार्कटिक से, मोजाम्बिक वार्म है, बाकी सारी कोल्ड है, और बची रही फॉकलैंड की बात, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, फॉकलैंड करंट, इतना तो पक्का है कि साउथ अमेरिका में है फॉकलैंड, हाँ वही बोल रहा हूँ, अंटार्कटिक रीजन से आती है, सही बात, अंटार्क अटलांटिक ओशन में है फॉकलैंड करंट, नीचे से आती है और ठंडी होती है फॉकलैंड, तो फॉकलैंड करंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं 13th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन टाइड इज कॉज बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स। देखो नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड तो बायोलॉजिकल नहीं है, वो तो मून की पोजीशंस में है, जब मून फुल होता है तो स्प्रिंग टाइड होता है, जब मून वीक पड़ता है तो नीप टाइड होते हैं, एपोजी और पेरोजी तो सन वाले हो गए, रेड टाइड जो है एल्गल ब्लूम से होता है, रेड टाइड में वही देख रहा था कि रेड टाइड कहाँ आता है, मतलब एल्गल ब्लूम सबसे ज्यादा तो गंदे जहाँ पे हो गए हैं समुद्र, बिल्कुल यूट्रोफिकेशन हो गया है, तो वो मिडिल ईस्ट में तो काफी हुआ है, रास अल खमैया इसी के मैं देख रहा था रेड टाइड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ओशियन करंट, वार्म ओशियन करंट, बेंगुएला जो है, बेंगुएला वो अफ्रीका के वेस्ट साइड में है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में कोल्ड करंट है, नीचे से आने वाली कोल्ड करंट है, परू करंट साउथ अमेरिका में है, परू या हम्बोल्ड भी कोल्ड करंट है और ये भी नीचे से आती है, तो परू और बेंगुएला दोनों कोल्ड है, वेस्ट साइड है दोनों, दोनों नीचे से आ रही है अटलांटिक से, अटलांटिक से बोलना चाहिए, अंटार्कटिक से बोलना चाहिए, ठंडी है। अब बचा ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो एक जनरल ट्रेंड है कि जो जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके जो वेस्ट साइड आती हैं वो कोल्ड हैं, जैसे कि पेरू कोल्ड है, हम्बोल्ड कोल्ड है, बेंगुइला कोल्ड है, और ऑस्ट्रेलिया के जो वेस्ट साइड आएगी वो भी कोल्ड होगी, जो कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड आती है वो वार्म होती है, तो जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है वो वार्म करंट है, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट एक वार्म करंट है, जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है वो बेंगुइला और पेरू की तरह कोल्ड करंट है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन वार्म करंट है, इसीलिए जो भी कोरल ट्राइंगल्स हैं, कोरल रीफ हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, जो ग्रेट बैरियर ग्रेट कोरल रीफ का ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड ना हो गए ईस्ट साइड है, क्योंकि ईस्ट साइड में वार्म करंट है और कोरल को सस्टेन करने के लिए वार्म चाहिए होती है, थोड़ा सा हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है, तो ईस्ट जो ऑस्ट्रेलिया है वो वार्म है, बिकॉज ऑफ वार्म ओशनिक करंट, तभी वहां पे कोरल सर्वाइव कर सकते हैं, बट ज्यादा वार्म हो जाएंगे तो भी दिक्कत है, ठंडे हो जाएंगे तो भी दिक्कत है। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम एक ओशियनिक करंट है, लोकल विंड नहीं है, जेट स्ट्रीम का नाम नहीं है, रिवर नहीं है गल्फ में, ओशियनिक करंट है भी, वो भी वार्म ओशियनिक करंट है, अटलांटिक में है, नॉर्थ अटलांटिक में है, और ये अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे है। गल्फ स्ट्रीम टुगेदर विद दिस नॉर्थर्न एक्सटेंशन टुवर्ड्स यूरोप, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम एक दूसरे से रिलेटेड है, वार्म स्विफ्ट अटलांटिक ओशन की करंट है, फ्लोरिडा पे आती है एंड फॉलोज द ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ यूएस एंड न्यूफाउंडलैंड, मतलब कनाडा तक जाती है बिफोर क्रॉसिंग द अटलांटिक, तो फिर अटलांटिक क्रॉस कर जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग आई थिंक हेस की थ्योरी है, इतना तो मुझे याद है बिल्कुल, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी हेस की है, कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग वॉज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाई हेनरी हेस,
हैरी हेम्फोर्ड हैस वॉज अ जियोलॉजिस्ट एंड यूएस नेवी ऑफिसर इन वर्ल्ड वॉर टू, कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। हैरी हैस वॉज बोर्न इन न्यूयॉर्क सिटी। तो आई थिंक मैं इतना जरूर देख सकता हूँ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो थ्योरी थी वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से पहले की थी, तो ये पूरी वो स्टोरी नहीं है। वही सी फ्लोर स्प्रेडिंग, थिनिंग ऑफ क्रस्ट, अपवेलिंग, मेडियोसियानिक रिज, कन्वेक्शन करेंट, मैग्मा आता है, मिड अटलांटिक रिज, रिज सी दिखाती है, सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। ये बहुत बढ़िया फिगर है, मुझे लग रहा है डालना चाहिए मुझे जियोग्राफी में, सीट्स में, फिजिकल जियोग्राफी या ओशनोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी में जानना चाहिए। और फिजिकल जियोग्राफी में ये क्या, मैंने इंडिया की फिजिकल जियोग्राफी खोल ली है क्या? इन जनरल जो फिजिकल जियोग्राफी है वो खोलिए, जियोमॉर्फोलॉजी है इन जनरल। इसी में आई थिंक इंडोजेनेटिक फैक्टर में ड्रिफ्ट वैली, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मिड अटलांटिक रिज, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हैरी हैस कंटिन्यूसली एड न्यू मटेरियल टू द सैंड फ्लोर व्हाइल पुशिंग ओल्डर रॉक अवे फ्रॉम द एज। नई रॉक बाहर आया थी। आगे बढ़ते हैं। कोरल रीफ एक्सटेंडिंग अलोंग विद ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, कोरल रीफ एक्सटेंडिंग अलोंग विद ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बगल में ग्रेट बैरियर रीफ है बहुत फेमस, कोरल रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ इज वॉट द लार्जेस्ट कोरल सिस्टम। ग्रेट बैरियर रीफ का मैप अगर आप देखो तो समझ में आ जाएगा, वार्म ओशनीकरण की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के अगर आप वो देखो, कोऑर्डिनेट्स देखो, तो ऑस्ट्रेलिया ट्रॉपिकल रीजन में ही है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के कोऑर्डिनेट्स 30 डिग्री, तो वही होता है 30 डिग्री तक तो ट्रॉपिक्स रहते ही है ना, तो 30 डिग्री साउथ है तो ट्रॉपिक्स के बीच में ही। और ग्रेट बैरियर रीफ का मैप देखिए तो समझ में आ जाएगा, ये रहा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में है, जी हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ बेस्ट फिगर है ये, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में ग्रेट बैरियर रीफ। इसको मुझे डालना चाहिए ओशिनिया में, ओशिनिया। ग्रेट बैरियर रीफ आगे बढ़ते हैं। वॉल्केनिक, अच्छा और भी हैं क्या, फ्रिंजिंग रीफ एटॉल, कोरल आइलैंड, लक्षद्वीप एटॉल है, फ्रिंजिंग रीफ कहाँ मिलती है, फ्रिंज रीफ का कोई एग्जांपल, फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, एक्टिव वॉल्केनो के फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एटॉल,
अलग अलग डिफरेंस है। वॉल्केनो है, वॉल्केनिक माउंटेन है, उसके चारों तरफ फ्रिंज फ्रिंज मतलब बाउंड्री फ्रिंज पैदा हो गई, फिर पानी भर गया तो बैरियर रीफ बन गया, और फिर वो माउंटेन सबमर्ज हो गया वाटर में, सबसाइड हो गया तो वो एटॉल बन गया। इस टाइप से एटॉल बनते हैं, इसको मैं ओशियनोग्राफी में डाल सकता हूँ। ओशनोग्राफी ओशनोग्राफी में अगर ये फिगर डाले, एक्टिव वोल्केनो, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल, ये चार स्टेजेस होती हैं। बैरियर रीफ एक कोरल रीफ है दैट इज पैरेलल टू द शोर बट इज सेपरेटेड बाय ए चैनल ऑफ वाटर। जितने भी कोरल रीफ मिलते हैं उसमें बैरियर रीफ, अटॉल और फ्रिंजिंग रीफ थोड़े से अलग के होते हैं। बैरियर रीफ चैनल ऑफ वाटर से अलग होता है, अटॉल रिंग शेप कोरल रीफ होती है। रिंग जो होती है एक कोरल रीफ है जो लगून को घेरे हुए चारों तरफ से। फ्रिंज रीफ एक रीफ है दैट फॉर्म्स अराउंड ए लैंड मास, ये डिफरेंस होता है। वोल्केनिक इरप्शंस डू नॉट अकर इन द, इसमें से किस में वोल्केनिक इरप्शन नहीं होते हैं? कैरेबियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, बाल्टिक सी। वोल्केनो ब्लैक सी में वोल्केनो है क्या कोई? कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ब्लैक सी तो रशिया यूक्रेन एरिया, कैस्पियन सी ईरान हो गया, कैरेबियन सी नॉर्दर्न अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, बाल्टिक। बाल्टिक सी में ऐसा कोई वोल्केनो सुनाई नहीं देता है। बाकी तो देखो ऐसा है ना कि जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी है वहां पे कोई वोल्केनिक इरप्शंस पता नहीं यार, बट इनके हिसाब से वोल्केनिक इरप्शंस बाल्टिक सी में नहीं होते हैं। Among oceanic trenches, the deepest trench is Mariana Trench, Pacific Ocean. Mariana, Kuril, Japan, Tonga. Mariana, Kuril, Japan, Tonga. ये Pacific Ocean की trenches है। Pacific Ocean trenches. इसमें पक्के बात है Mariana सबसे deep है। ये Mariana, ये नहीं, ये सबसे deepest है। Challenger Deep. इसी में एक point है। इक्वेटर पे बोगनविले, फिर और ऊपर जाएंगे तो जापान, कुरील, अल्यूशन, नीचे जाएंगे तो तोंगा, कर्मादेक, इधर पेरू चिली ट्रेंच है, मिडिल अमेरिका ट्रेंच है। तो ये है ट्रेंचेस का मामला, ओसनोग्राफी। ऐसा कुछ है कि जहाँ पे ये पे ओशियानिक रिजेस सी फ्लोर स्प्रेडिंग इधर हो रही है, मिड अटलांटिक रिज इधर बन रही है, जैसे मिड अटलांटिक नहीं पैसिफिक है, तो रिजेस ओशन के बीच में बनती है, ट्रेंच किनारे पे बन रही है, ट्रेंच किनारे पे बनती है, ट्रेंच बीच में नहीं बनती है, ट्रेंच बनती है जहां पे कन्वर्जेंस हो रहा हो। ट्रेंच कहाँ बनती है, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस तो नहीं होगा, कन्वर्जेंस ही होगा। अर्थक्वेक भी इधर ही आता है। ये पक्की बात है ट्रेंच जो है कन्वर्जेंस कन्वर्जिंग पे ही बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो मरियाना ट्रेंच है, कुरील, जापान, तोंगा, नहीं, मरियाना ट्रेंच इज डीपेस्ट ट्रेंच, वेस्टर्न पैसिफिक मरियाना आइलैंड।
हम बोल्ड करंट फॉलोस, नहीं फ्लोस, हम बोल्ड करंट तो उसी को बोलते हैं, परू करंट को, परू परू चिली, यानी कि साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के भी वेस्ट साइड, यानी कि पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में कौन सा पैसिफिक? नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक। पैसिफिक ओशन में नॉर्थ साउथ नहीं होता, ईस्ट वेस्ट होता है। तो पैसिफिक ओशन में जो अमेरिका वाला जो है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाला साइड है, वो ईस्ट पैसिफिक है आई थिंक। तो ईस्टर्न पैसिफिक होना चाहिए। हम बोल्ड करंट फॉल फ्लोज इन है तो नॉर्थवर्ड, ऊपर जाती है ठंडी करंट है, हम बोल्ड करंट फ्लोज नॉर्थवर्ड इन ईस्टर्न पैसिफिक भी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हम बोल्ड करंट एक कोल्ड करंट है, नॉर्थवर्ड जाती है और ईस्टर्न पैसिफिक में जाती है, चिली और परू के वेस्ट कोस्ट पे। तो ईस्ट वर्ल्ड है, नॉर्थ वर्ल्ड है, ईस्टर्न पैसिफिक है, मैं बिल्कुल सही था। 20th। नेक्स्ट आते हैं कैनरीज करंट। कैनरीज करंट अफ्रीका, स्पेन, कैनरी आइलैंड तो स्पेन का है, स्पेन मोरक्को वाले बॉर्डर पे है। तो कैनरीज करंट है ठंडी करंट और ये जाती है नीचे के साइड। नीचे के साइड कैसे जाती है स्पेन से पता नहीं, लेकिन जाती है। और ये अफ्रीका के वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट में है, तो ब्राजील पे तो नहीं है, परू पे नहीं है, अफ्रीका के ईस्ट साइड नहीं है, वेस्ट अफ्रीका है। तो कैंडीज करंट फ्लोज अलोंग वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट। कैंडीज करंट इज पार्ट ऑफ ओशन करंट सिस्टम इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। इट ब्रांचेस साउथ फ्रॉम द नॉर्थ अटलांटिक करंट एंड फ्लोज साउथ वेस्टवर्ड अलोंग द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। हाँ, वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट बोलने ज्यादा सही है। अगुलास, अगुलास साउथ अफ्रीका के पास मोजाम्बिक करंट से आगे, मोजाम्बिक करंट ही मतलब मुझे लग रहा है अगुलास बन जाती है। अगुलास एक पॉइंट भी है साउथ अफ्रीका का, नीचे वाला पॉइंट में से है, लोअर मोस्ट पॉइंट एक तरीके से, जहां पे आके इंडियन ओशन अटलांटिक ओशन मिलते हैं, वो पॉइंट अगुलास है। तो जो अगुलास करंट है वो वार्म करंट है, वो इंडियन ओशन की करंट है, और ये वार्म करंट है, डाउनवर्ड जाती है, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में जाती है। तो ए होगा इंडियन ओशन। 23। कलर ऑफ द येलो सी इज द रिजल्ट ऑफ, देखिए पहले बात, येलो सी सच में येलो है कि नहीं है? येलो सी इतना तो सबको पता है, चाइना वाली है येलो सी, चाइना, कोरिया, चाइना में आना चाहिए, चाइना की ओशनोग्राफी में, चाइना। आई लव यू चाइना, 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 चाइना। येलो सी वैसे दिखाया तो हुआ है चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के बीच में येलो सी, तो अलग से दिखाने की क्या जरूरत है? बोहाई सी, कोरिया सी, येलो सी है तो येलो सी चाइना कोरिया के बीच में, लिख देता हूँ बस, येलो सी चाइना कोरिया वाला, येलो सी, येलो भी बोल लेते हैं यहाँ पे, येलो है। अरे हाँ बिल्कुल है, एक रिवर भी है यांगजे और एक होंगे, येलो सी होंगे वाला लग रहा है, यांगजे संघाई पे है तो होंगे जो है वो येलो सी पे है। होंगे ही है क्या येलो रिवर? येलो सी, येलो रिवर होंगे है, येलो रिवर, येलो रिवर होंगे, येलो रिवर वांग है,
यांगजे होंगे, होंगे वाली जो रिवर है येलो रिवर वो आती है यहाँ पे। अरे सच में येलो है, सगा सा येलो है। येलो रिवर मीट्स तसी। क्या करना था? कलर ऑफ द येलो सी इज रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, पेक्यूलर टाइप ऑफ फाइटोप्लैंकटन, सिल्ट, हाई सल्फर कंटेंट। अगर मुझे ना देखा होता ये क्वेश्चन तो मैं पक्की बात है फाइटोप्लैंकटन करता, और हाई सल्फर कंटेंट इन द बॉटम रॉक्स। जबकि कलर ऑफ द येलो सी है वो सिल्ट, पीली सिल्ट जो है होंगे रिवर जो लाती है उसकी वजह से है। कलर ऑफ द येलो सी इज ड्यू टू द कलर ऑफ द सिल्ट लेडन वाटर डिस्चार्ज इन टू इट फ्रॉम द मेजर चाइनीज रिवर सच एज होंगे योंगजे। दोनों जो है वहाँ पे वो सिल्ट लाती है येलो कलर का, उसकी वजह से। हमेशा कलर के वजह आप कोई फाइटोप्लैंकटन या बैक्टीरिया को नहीं दे सकते, ब्लेम नहीं कर सकते। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ सॉल्ट इन द सी? क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड होता है, बट सोडियम हल्का है क्लोरीन भारी है, तो सॉल्ट में क्लोरीन ऑब्वियसली ज्यादा ही हो गया। Which one of the following is called marine snowfall? ये क्या होता है marine snowfall? Marine snowfall, marine snow keeps ocean life healthy. Biological debris that falls from higher in the water column. Don't does it snow in the middle of the ocean? Which one of the following is called marine snowfall? Fall of snowflakes, fall of hail, continuous fall of snow pellets, continuous fall of tiny marine sediments on ocean floors. In a deep ocean, marine snow is a continuous shower of mostly organic detritus falling from the upper layer of the water column. It is a significant means of exporting energy from the light-rich photic zone to aphotic zone below. Photic zone जहाँ पे light पहुँचती है, light rich है वो, और aphotic zone नीचे जहाँ ocean के bottom पे, benthic zone में जहाँ light नहीं पहुँचती, तो वहाँ तक जाने का रास्ता है marine snowfall. It was coined by the William Beebe as it observed from bathysphere. Which one of the following statement is not true about subsidence theory of coral reefs? Coral reef subsidence theory. Theory has been postulated by Charles Darwin. According to the theory, coral polyps grow both in shallow and deep waters. I think coral polyps deep water में नहीं होते, shallow water में होते हैं। फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल्स आर सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ कोरल रीफ डेवलपमेंट। ये सही लग रहा है। पहले फ्रिंज बाउंड्री आती है, फिर थोड़ा सा सबसाइड होता है तो बैरियर बन जाता है, पानी भर जाता है उसमें, और सबसाइड होता है तो एटॉल बन जाता है। सी ऑप्शन सही लग रहा है। रीफ बिल्डिंग स्टार्ट फ्रॉम सबमरीन प्लेटफॉर्म। आई थिंक जो कोरल रीफ होते हैं सबसे पहले फ्रिंज बनती है, फिर बैरियर रीफ बनता है, फिर एटॉल बनता है, तो बी ऑप्शन इनके हिसाब से सही है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बोला है, तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है ये बिल्कुल सही है। फ्रिंज रीफ बनेगा, फिर बैरियर रीफ बनेगा, फिर एटॉल बनेगा, ये भी सही है। रीफ बिल्डिंग स्टार्ट फ्रॉम सब मेरीन प्लेटफॉर्म, ये भी बिल्कुल सही है। और बी ऑप्शन शैलो एंड डीप, ये गलत है, डीप में नहीं होता। कोरल पॉलिप्स
टाइनी सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सी एनिमोन्स से जेलीफिश से रिलेटेड होते हैं। हार्ड प्रोडक्टिव लाइम स्कोन स्कल्टर जिसे कैलिकल कहते हैं, जो स्ट्रक्चर बनता है कोलीफोर का, ऑर्गेनिजम्स हैं। रीफ बिगिन विद ए पॉलिप अटैच इटसेल्फ टू अ रॉक, कोरल पॉलिप रॉक के साथ अटैच कर लेता है, देन डिवाइड्स और बर्ड्स इनटू थाउजेंड्स ऑफ क्लोन्स। एस पर डार्विन थ्योरी पॉलिप्स ग्रो इनटू शैलो ओशन वाटर। तो एक चीज जो मुझे समझ में आनी चाहिए वो कोरल पॉलिप, कोरल पॉलिप इन्हें कहते हैं, ये कोरल पॉलिप है, ये अपने आप को रॉक के साथ अटैच कर लेते हैं। कोरल रीफ कहीं है क्या अपने में? कोरल पॉलिप, ये कोरल पॉलिप है। अच्छा एक और वर्ड यूज किया था, सी एनीमोन जेलीफिश, सी एनीमोन भी वैसे ही है। और कोरल पॉलिप कैसा था? कोरल पॉलिप थोड़ा पेनल टाइप था। कोरल पॉलिप, सीनमो और जेलीफिश। अच्छा चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ए इक्वेटोरियल काउंटर करंट इज नॉट फाउंड इन द इंडियन ओशन ड्यूरिंग समर सीजन। इक्वेटोरियल काउंटर करंट इज नॉट फाउंड इन द इंडियन ओशन ड्यूरिंग समर सीजन। रीजन, ड्यूरिंग समर सीजन साउथ वेस्ट मानसून करंट इज डोमिनेंट। रीजन तो सही लग रहा है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट इज नॉट फाउंड इन द इंडियन ओशन ड्यूरिंग समर। समर में तो मानसून आ जाता है। अभी इक्वेटोरियल काउंटर करंट है क्या? इक्वेटोरियल काउंटर करंट है क्या? इक्वेटोरियल काउंटर करंट साउथ वेस्ट मानसून इक्वेटोरियल काउंटर करंट इक्वेटर पे चलने वाली है और ये जाती है इधर की तरफ ऑस्ट्रेलिया साइड। काउंटर करंट है, अच्छा काउंटर कर रही है। एक्चुअल जो ईस्टर्लीज होती है इनकी अपोजिट चल रही है, वेस्ट से आ रही है। और मानसून की डायरेक्शन इक्वेटोरियल काउंटर करंट, इक्वेटोरियल करंट ईस्टर्ली है। यही इक्वेटोरियल करंट मोजाम्बिक अगुलास वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बन जाती है। इसका उल्टा इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट ओशियनिक करंट इन इंडियन ओशन ड्यूरिंग समर। समझ में आ गया, ये तो जाना चाहिए ओशनोग्राफी में। ओशनोग्राफी ओशियनिक करंट्स, कोरल रीफ है तो यार ये डाल सकते थे, कोरल रीफ का बहाल ये डालते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं ओशंस में ये डालते हैं और कोरल रीफ में डालते हैं पॉइंट्स। डार्विन ने बताया था पहले बनता है फ्रिंज, फिर बैरियर, एटॉल, सेलो, सी सी एनिमोन्स, पॉलिप्स अटैच टू रॉक। कोरल लीफ यहां डाला, ओशियोग्राफी में डाला हुआ है।
और ये मैंने फिगर डाल दिया इक्वेटोरियल काउंटर करेक्ट। तो क्वेश्चन ये था कि इक्वेटोरियल काउंटर करंट समर में नहीं मिलती और ये समर में मानसून आया था, दोनों सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टूडेंट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सरकम पैसिफिक बेल्ट इज द मोस्ट वल्नरेबल जोन ऑफ सुनामी। सरकम पैसिफिक, ये तो पता है कि सुनामी पैसिफिक रीजन में ज्यादा आती है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, बट सरकम पैसिफिक बेल्ट क्या? सरकम पैसिफिक बेल्ट, सरकम मतलब सरकमफ्रेंस, पैसिफिक ओशन, तो यही है सरकम पैसिफिक प्लेट। फिलीपींस सही बोल रहे थे, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इधर नाजिका, साउथ अमेरिका, इधर नॉर्थ अमेरिका, जुआन दे फोका, अल्यूशन आइलैंड्स, कुरील, ये है सरकम पैसिफिक, रिंग ऑफ फायर। तो जो रिंग ऑफ फायर है, सरकम पैसिफिक बेल्ट, रिंग ऑफ फायर, ये सुनामी और अर्थक्वेक दोनों के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। इसी में तो हवाई है, हवाई हवाई दिखाओ मुझे कहाँ है हवाई, हवाई यहाँ कहीं होगा हवाई, माउना लोआ, माउना की। और हॉर्स शू शेप है और ये 452 वोल्केनोस, 90% अर्थ के अर्थक्वेक कहीं आते हैं। और सेस्मोलॉजिकल एक्टिव रीजन में देखा जाए तो फिर अल्पाइट बेल्ट आती है जो कि जावा से लेके, हिमालय से लेके सदर्न यूरोप तक चली जाती है। तो जो इटली में जो रीजन है वो भी सदर्न यूरोप वाला एल्पाइट रीजन ही है, वहाँ पे भी अर्थक्वेक चलता रहता है, माउंट वेसुवियस एल्पाइट रीजन वाला है। तो रिंग ऑफ फायर, ये भी ओशियनोग्राफी में जाना चाहिए। रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ डज नॉट मूव अलोंग इट्स ऑर्बिट ऑर्बिट एट ए कॉन्स्टेंट रेट। हाँ ये बात तो सही है, अर्थ मूव्स फास्टेस्ट एट पेरिहेलियन एंड स्लोएस्ट एपोजेनियन। जब अर्थ सन के पास होता था तेज चलता है, दूर होता था स्लो चलता है, ये दोनों सही है। कपलर सेकेंड लॉ, ये यहाँ कहाँ से ओशनोग्राफी में दे दिया। द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर इज लार्जली अफेक्टेड बाई। ओशन में जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं कम कहीं ज्यादा, वो किससे डिसाइड होता है? पानी की डेप्थ से? नहीं, ओशन करंट से। टेम्परेचर और सलाइनिटी की डिस्ट्रीब्यूशन ओशन करंट, ओशन करंट भाई कहीं पानी गर्म है कहीं ठंडा, वो ओशन करंट से डिसाइड तो ही रहा है। प्रिवेलिंग विंड से? यस। लेटिट्यूड से? यस। भाई पोल्स के पास ठंडी है, ट्विटर के पास गर्म है, तो ये तो हो ही रहा है ना। सेकंड थर्ड फोर्थ यानी कि 30 का बी। मैच द फॉलोइंग टू लिस्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर। अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक। रिज बताने हैं, कोकोज रिज, लोमनोसोव रिज, डॉल्फिन रिज एंड साउथ ईस्ट एशियन रिज। साउथ ईस्ट एशियन रिज, सिज, ये होगा पैसिफिक में। कोकोज रिज आई थिंक इंडियन ओशन में है। डॉल्फिन और लोमनोसोव, लोमनोसोव आर्कटिक में लग रहा है, बचा डॉल्फिन, अटलांटिक में होगा। सही बोला था मैं, डॉल्फिन और चैलेंज अटलांटिक में है, डॉल्फिन नॉर्थ अटलांटिक में है, चैलेंज साउथ अटलांटिक में है। कोकोज भी बिल्कुल सही बोला था मैंने, कोकोज इंडियन में बोला था ना, कोकोज पैसिफिक में है, साउथ ईस्ट एशियन इंडियन में, ये दोनों का पता कर गया। लुम्नोसोव सही बोला था मैंने, आर्कटिक नाम से ही लग रहा था, बट चेक कर लेता हूँ। कोकोज रिस्ट पैसिफिक में है भाई, मैं इंडियन बोल रहा था। कोकोज 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 कोकोज, ये नहीं, कोकोज प्लेट, ये देखो कोकोस प्लेट, कोको जंबो, या कोको जंबो, कोको
कोकोज जी, कोकोज प्लेट भाई फेमस है। कोकोज प्लेट कैसे का पड़ कर गया मैं, साउथ अमेरिका के पास है कोकोज तो पक्की बात है, साउथ अमेरिका का पार्ट। कोकोज रिच पैसिफिक में है साउथ अमेरिका के पास। लुम्नो सो देखने की जरूरत नहीं, डॉल्फिन रिच देख लेते हैं। डॉल्फिन रिच डॉल्फिन रिच अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। डॉल्फिन रिच बीचों बीच है अटलांटिक के, डॉल्फिन रिच बीचों बीच है। चैलेंज रिज साउथ अटलांटिक। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेरिजीनियस डिपॉजिट फ्रॉम द कोस्ट डीपर पार्ट ऑफ द सी। क्ले, सैंड, मड, सिल्ट। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेरिजीनियस डिपॉजिट फ्रॉम द कोस्ट टू डीपर पार्ट ऑफ द सी। कोस्ट के पास मिलेगी सैंड, आगे मिलेगा सिल्ट, फिर आगे मिलेगी क्ले, फिर आगे मिलेगा मड। सैंड तो सबसे ज्यादा इधर ही मिलती है। टेरी जीनस डिपॉजिट, टेरी जीनस और लिथोजीनस सेडिमेंट्स डेराइव फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक एबो सी लेवल्स। टू डिस्टिंक्ट केमिकल कंपोजिशन अकर। लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑन कॉन्टिनेंटल मार्जिन, लेस देन 40% रीच एबिसल प्लेन। ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर, विंड। सेडिमेंट ओशन में टेरिजिनस होता है, क्वार्स एंड क्ले मड। 45% ऑफ द ओशन फ्लोर एरिया टेरिजिनस डिपॉजिट्स। बायोजिनस होता है ऑर्गेनिक एक्युमुलेशन, 55% तो यही है। हाइड्रोजिनस होता है और फिर कॉस्मोजिनस होता है ओशन डिपॉजिट्स। तो टेरिजिनस और बायोजिनस मिलके काफी कुछ काम तो कर ही डालते हैं। ओशियानिक डिपॉजिट्स, ये रहा ओशियानिक डिपॉजिट्स, टेरिजिनियस और बायोजिनस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ मिड अटलांटिक रिज इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंस। सेकंड ऑप्शन होना चाहिए बट और भी है, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, शियर, सी फ्लोर स्पीडिंग। डाइवर्जेंस एंड सी फ्लोर स्पीडिंग टू एंड फोर। इसमें है टू एंड थ्री। मिड अटलांटिक रिज इज मिड अटलांटिक डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट along the floor and part of the largest C 2 and 3 divergence and shear. 2 and 4 कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 2 एंड 4 है तो सी ऑप्शन। सही तो बोल रहा था मैं, हाँ डाइवर्जेंस एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग सही बोल रहा था, डाइवर्जेंस एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग सही था मैं, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ करेंट ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन फ्रॉम इक्वेटर एंड बैक। करेंट फ्रॉम साउथ अटलांटिक फ्रॉम
Which of the following is the correct order of current of the South Atlantic Ocean from इक्वेटर एंड मैं इक्वेटर से तो अटलांटिक ओशन अच्छा अफ्रीका इधर तो इंडियन ओशन है तो इक्वेटर से सबसे पहले बेंगुइला तो लौटते वक्त मिलेगी ब्राजील साउथ एटलांटिक ड्रिफ्ट साउथ इक्वेटोरियल ये देखना पड़ेगा यार साउथ इक्वेटोरियल साउथ इक्वेटोरियल करंट साउथ इक्वेटोरियल ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में है साउथ इक्वेटोरियल इक्वेटर से स्टार्ट हो गई फिर ब्राजील बन जाती है वो इधर जाके ब्राजील बन जाती है ब्राजील करंट ठंडी है फिर वो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाती है साउथ अटलांटिक स्टार्ट हो जाता है साउथ इक्वेटोरियल से और फिर बेंगुइला बन के चली जाती है ये बात तो सही है जी है मतलब ऑर्डर ये सब इक्वेटोरियल है साउथ इक्वेटोरियल ब्राजील ये सब अटलांटिक है बेंगुइला बन के चली आई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइडल हाइपोथेसिस इट्स अ मोनिस्टिक हाइपोथेसिस वर प्रोपोंडेड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स जीन्स इट होल्ड्स फिलामेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम जॉन्स जेफरीज टाइडल हाइपोथेसिस चैंपियन बाई जेम्स जीन्स एंड हेरोल्ड जेफरीज एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ क्लोज इनकाउंटर बिटवीन द सन एंड इज सेकेंड स्टार हाउएवर इट डिफर्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अदर मेजर कैटास्ट्रोफिक हाइपोथेसिस ऑफ द 20th सेंचुरी द चैम्बरलेन माउंटेन प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस C2 and 3 फिलामेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम पता नहीं क्या है टाइडल हाइपोथेसिस टाइटल हाइपोथेसिस पहली बार जानना हो अर्थ के ओरिजिन के बारे में अच्छा स्टार सन फिलामेंट सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म फ्रॉम सन एंड अदर इंक्लूडिंग स्टार द बिगनिंग द सन वॉज ए बिग इनकैंडेसेंट गैसेस मास ऑफ मैटर हाइपोथेसिस वॉज प्रपोज बाय जेनसन जेफरीज ए वेरी लार्ज स्टार प्रोग्रेसिवली कीम नियर द सन उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड टाइप की गैसेस टाइड हुई अर्थ की सन की सरफेस पे टाइड बढ़ती गई जब वो स्टार दूर जाने लगा तो टाइट टूट गई और जो टाइट टूटी तो 10 पीस में टूट गई और उससे प्लैनेट्स बन गए प्लैनेटॉइड्स बन गए समझ गया पहली बार समझा टाइडल हाइपोथेसिस पहले नहीं पता था अगला क्वेश्चन मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर अगुलास क्रोसो फ्लोरिडा फॉकलैंड अगुलास तो साउथ अटलांटिक है नहीं अगुलास अटलांटिक कहाँ है अगुलास तो इंडियन ओशन है अगुलास इंडियन ओशन है तो ए का होना चाहिए 3 बी में ये क्रोसियो ओयासियो क्रोसियो क्रोसियो पैसिफिक में नॉर्थ पैसिफिक फ्लोरिडा और फॉकलैंड फॉकलैंड डी साउथ अटलांटिक है और फ्लोरिडा नॉर्थ अटलांटिक है फ्लोरिडा और फॉकलैंड देखते हैं फ्लोरिडा करें फॉकलैंड ये है अटलांटिक
फॉकलैंड। फॉकलैंड तो साउथ अटलांटिक हो गया एक तरीके से। फॉकलैंड डी टू। फॉकलैंड ये ब्राजील करेंट को ही बोलते हैं फॉकलैंड करेंट। फ्लोरिडा मैक्सिको के पास हो गया, गल्फ स्ट्रीम से पहले, नॉर्थ अटलांटिक। फ्लोरिडा ये, और फॉकलैंड मेरे हिसाब से ब्राजील करेंट को ही बोलते हैं। 100% ब्राजील करेंट को ही बोलते हैं फॉकलैंड। ब्राजील करेंट को ही बोलते हैं फॉकलैंड। जैसे पेरू को हम बोल बोलते हैं वैसे ब्राजील को ही फॉकलैंड बोलते हैं। और फ्लोरिडा हो गई नॉर्थ अटलांटिक। व्हाट इज ट्रू अबाउट नाइल? लार्जेस्ट डेल्टा तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, तो लार्जेस्ट डेल्टा तो नहीं है। लॉन्गेस्ट रिवर हो सकती है फर्टाइल साइल। हाँ भाई, उससे इजिप्शियन सिविलाइजेशन ही सीखी है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ही सीखी है, टिग्रिस यूफ्रेटिस। अच्छा, नाइल की सिविलाइजेशन इजिप्शियन है, टिग्रिस यूफ्रेटिस की मेसोपोटामियन है। दो अलग अलग सिविलाइजेशन है, अलग है, नाइल अलग है, टिग्रिस यूफ्रेटिस अलग है। मोस्ट वॉल्यूमिनस रिवर? नाइल एक नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है अफ्रीका में, लॉन्गेस्ट है, और वॉल्यूमिनस अमेजन, और नेक्स्ट क्वेश्चन। ओशन आइस कैप एटमॉस्फेयर रिवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ओशन में होगा 97 के आसपास, आइस कैप में होगा 2% के आसपास, एटमॉस्फेयर में होगा उससे कम, रिवर में होगा उससे भी कम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट करेक्टराइज एल नीनो? इरेगुलर इंटरवल पे होता है। हाँ, अगर रेगुलर इंटरवल पे हो तो प्रिडिक्ट ना कर लें। वार्मर वाटर, हाँ इंडिया के लिए तो वार्मर वाटर, इंडिया के लिए वार्मर वाटर तो नहीं है। अल नीनो वैसे इंडिया में होता कहाँ है? अल नीनो तो साउथ अमेरिका में होता है ना। इंडिया को अल नीनो से फर्क पड़ता है, ये बात सही है, बट अल नीनो इंडिया से रिलेटेड डायरेक्टली, मतलब इंडिया का नाम नहीं लेना चाहिए, अल नीनो साउथ अमेरिका का नाम लेना चाहिए। अल नीनो इज ए क्लाइमेट साइकिल इन द पैसिफिक ओशन विद ए ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन वेदर पैटर्न। वार्म वेदर इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। भाई पैसिफिक में तो वहाँ पे पेरू हम्बोल्ट ठंडी करेंट होती है, वो गर्म हो जाती है, तो उससे वहाँ पे सारी फिश की साइकिल खराब हो जाती है। वार्म वेदर पोल्स नियर इंडोनेशिया फिलीपींस से गर्म पानी आता है इधर की तरफ। तो ड्यूरिंग एन एल नीनो पैसिफिक्स वार्मेस्ट सरफेस वाटर सिट्स ऑफ शोर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिका। तो लेस सलाइन वाटर इट एटमोस्फेरिक इक्विवेलेंट इज सदर्न ऑसिलेशन। अच्छा, अल नीनो पानी में है, पहली बार पता चला, सदर्न ऑसिलेशन एयर में, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ओके, पहली बार मुझे ये पता चला कि सदर्न ऑसिलेशन वो इसलिए साउथ साइड हो रहा है इसलिए नहीं है, सदर्न ऑसिलेशन इसलिए है क्योंकि सदर्न ऑसिलेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लिंक्ड है। तो ये क्लाइमेटोलॉजी में आना चाहिए साउथ अमेरिका की। बायोजियोग्राफी, जियोग्राफी साउथ अमेरिका की, क्लाइमेटोलॉजी, इकोनॉमी, ओशनोग्राफी है तो क्लाइमेटोलॉजी, और मैंने इसमें अंसो नहीं डाल रखा है, आज मैं डालूंगा अंसो अच्छे से। अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। सदर्न ऑसिलेशन एटमॉस्फेयर का होता है।
नीनू सदन विश्लेषण, ये वाला साउथ अमेरिका का रीजन ड्राई, ये वेट, ये ड्राई, साउथ अमेरिका हाई प्रेशर, ऑस्ट्रेलिया लो प्रेशर। प्रेशर के टर्म में तो विंड चलती है इधर, पानी चलता है इधर, अलिनो ईयर में ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के साइड पे ट्रेड विंड्स ड्रॉप, वार्म सरफेस वाटर फ्लोज ईस्टवर्ड। यहाँ पे आया वार्म, यहाँ तो मछलियाँ गई, और विंड का सर्कुलेशन कैसा है भाई? नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया हॉट रहता होगा, तो हॉट मतलब लो, लेकिन अब लो बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा हाई, विंड भी इधर चलेगी, तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी। वॉकर सर्कुलेशन, ला नीना अलनीनो, अलनीनो में ये अफ्रीका है, अफ्रीका में कहाँ पहुंच गए? यहाँ ड्राइनेस है, यहाँ वेट हो गया, बारिश होती है यहाँ पे, डेजर्ट में बारिश होती है। बारिश तभी होगी जब विंड आए, लो प्रेशर बने, तो जब गर्म होगा तो लो प्रेशर तो बन ही जाएगा, गर्म होगा तो लो प्रेशर, नॉर्मली हाई प्रेशर होता है तो बारिश होती है। ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में वहाँ पे राइज होती है, मतलब राइज एयर क्लाउड बनने के लिए, या सिंक होती है, सबसाइड होती है, फिर लेकिन यहाँ पे राइज होने लगती है, वहां पे सबसाइड होने लगती है। तो इंडोनेशिया मलेशिया में जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ बारिश नहीं होती, रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पेरू के पास डेजर्ट है वहाँ बारिश होने लगती है, और यहाँ पे लेकिन ठंडी उष्णीकरण आने लगती है। अब समझ में आ रहा है, दोनों चीजें लिंक्ड है, गर्मी शिफ्ट होती है। अब ये मैं इसको अपने लैंग्वेज में लिखता हूँ, गर्मी ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया से शिफ्ट होने की। मैं लिखता हूँ अपनी लैंग्वेज में, अल नीनो का मतलब है ईस्ट पैस नहीं वेस्ट पैसिफिक, वेस्ट पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया की गर्मी को ईस्ट पैसिफिक पेरू चिली ले आना, ओशियानिक लेवल पे फॉर्म करंट आ जाएगी इधर, वार्म करंट आने से कोल्ड पेरू करंट की फिश कैच घट जाएगी, और एटमॉस्फेरिक लेवल पे सदर्न ऑसिलेशन और प्रेशर, तो हाई प्रेशर जो गर्म होगा वो लो प्रेशर, गर्म होगा वो प्रेशर फॉल होगा ना, अलिनो फेज में लो प्रेशर रेनफॉल वाला पाया होता है, लो प्रेशर रेनफॉल इंडोनेशिया से हटके पेरू इक्वाडोर पहुंच गया, इक्वाडोर पहुंच गया, डेजर्ट में बारिश होगी, डेजर्ट में बारिश होगी, और ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया सूख जाएंगे। जी कहानी, अब समझ में आया पहली बार।
अल नीना द बॉय, ला नीना द गर्ल। इंडोनेशिया, मलेशिया। सही बोल रहे हो। आगे बढ़ते हैं। डीपेस्ट ट्रेंचेस ऑफ द ओशन आर फाइंड इन द पैसिफिक ओशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज द हाईएस्ट सलाइनिटी। डेड सी, ऑफ कोर्स 34% सलाइन है, सॉल्टेस्ट है। सारगासो सी इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन। सार्गासम, नॉर्थ अटलांटिक। लाइन ड्रॉन ओवर ए मैप ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैविंग सिमिलर अमाउंट ऑफ सलाइन टी। आइसोहेलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग टू गल्फ्स आर कनेक्टेड बाय हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज, पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। सही है पहला ऑप्शन, पर्सियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान। पर्सियन गल्फ का गल्फ ऑफ अदन के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ ओमान में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। पर्सियन गल्फ, गल्फ ऑफ अकाबा, हाँ है कनेक्शन, लेकिन वो हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। वोल्गा, डेन्यूब भी हो सकती थी बट वोल्गा है, डेन्यूब सेकेंड होगी। नाइपर तो छोटी है, राइन भी छोटी है। इन विच सी द रिवर डॉन फ्लोज इन। डॉन आई थिंक ब्लैक सी में जाती है, नहीं, सी ऑफ जो में। डॉन रशियन रिवर फ्लोज इन द टाउन नोरो मोस्कोवस्क एंड फ्लोज ओवर 1800 किलोमीटर डिस्टेंस द सी ऑफ अजोव। डॉन अजोव में जाती है, देखना पड़ेगा। डॉन रिवर का मैप देखना पड़ेगा। सी ऑफ अजोव में, सच में सी ऑफ अजोव में जा रही है क्या? हाँ, डॉन अजोव में जाती है, रुस्तावान डॉन। हाँ, डॉन अजोव में जाती है। डॉन अजोव में जाती है। गाजा स्ट्रिप लाइज अलोंग द कोस्ट ऑफ। गाजा स्ट्रिप लाइज अलोंग द इजिप्ट कोस्ट ऑफ डेड सी। गाजा, मेडिटेरेनियन, रेड पर्सियन। लोग कंफ्यूज हो के डेड लगा सकते हैं, पर्सियन तो नहीं है, रेड भी नहीं है। गाजा मेडिटेरेनियन पे है और इजिप्ट इजराइल। देखते हैं गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप मैप। जी रहा, मेडिटेरियन पे है। गाजा स्ट्रिप, डेड सी, मेडिटेरेनियन, द कील कैनाल कनेक्ट्स। कैरेबियन सी एंड पैसिफिक नो, बेरिंग एंड चुकची नो, रेड सी एंड नो, बाल्टिक एंड नॉर्थ। यस, कील कैनाल कनेक्ट्स बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी। कील कैनाल या कैजर विलहम कैनाल इज ए 98 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल इन द जर्मन स्टेट ऑफ शेस्विग-होल्स्टीन अलोंग लिंक्स द नॉर्थ सी एंड द बाल्टिक सी। कील कैनाल, कील कैनाल मैप। अच्छा, ये है कील कैनाल, एक साइड बाल्टिक, एक साइड नॉर्थ सी है, ऐसे ऐसे है कील कैनाल, ऐसे है। ये है कील कैनाल, मैंने गलबाजी में कील कैनाल का ये वाला फिगर डाल दिया है। अब बताओ इसे क्या समझ में आएगा? कील कैनाल का फिगर डालना चाहिए आपको ये वाला। गलती है तो उसको आप ठीक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय गलती को बढ़ावा दिया जाए। ठीक कर लेनी चाहिए गलती। कील कैनाल का मैप डाल देते हैं अभी, सही वाला।
कील कैनाल डन, अच्छे से समझ लीजिए। डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी। अच्छा, अगला द वाटरफॉल विक्टोरिया, विक्टोरिया फॉल अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, जम्बेजी रिवर पे। वाटरफॉल रिवर के बिगनिंग के फीचर्स होते हैं जब वो रॉक्स को तोड़ तोड़ के निकलती है। गेट बेरियर रीफ, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक 50 हो गए, दो और कर लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट वेयर एडम्स ब्रिज इज सिचुएटेड? एडम्स ब्रिज इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, पाक स्टेट पे। पाल्क, पाल्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार। स्टेट विच सेपरेट एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, मतलब यूरेशिया होना चाहिए एशिया की बजाय। यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में बीरिंग स्ट्रेट है।